साल 2000 में सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर ने जो तहलका मचाया था उसकी गूंज किस्से कहानियों में आज भी सुनाई देती है। इस दौर में निर्देशक अनिल शर्मा की इस फिल्म को देखने के लिए लोग ट्रैक्टरों में भर भर कर सिनेमा हॉल तक पहुंचे थे। 23 सालों बाद अनिल शर्मा तारा सिंह और सकीना की इस गदर प्रेम कथा के आगे की कहानी लाए हैं। सनी देओल अमीषा पटेल की इस फिल्म की दूसरी किश्त आज सिनेमा घरों में रिलीज हो गई। 1971 के लाहौर में सेट इस कहानी में तारा सिंह ने अकेले पाकिस्तान में जाकर अपने प्यार के लिए लड़ाई लड़ी थी। सालों पहले इस कहानी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। देखते हैं 23 साल बाद भी क्या तारा सिंह और सकीना की यह कहानी गदर मचा पाएगी। चलिए इस रिव्यू के जरिए पता करते हैं। तारा सिंह और सकीना पठानकोट में अपने बेटे जीते के साथ रहते हैं। जीते के सिर पर फिल्मों का भूत सवार है और तारा सिंह चाहता है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, उसकी तरह ट्रक ड्राइवर नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मेजर हामिद तारा सिंह के लिए दिल में जहर भरे बैठा हुआ है। किसी भी हालत में तारा सिंह को वो खत्म करना चाहता है। तारा सिंह की जिंदगी में ट्विस्ट तब आता है जब एक बार फिर उसका बेटा पाकिस्तान में फंस जाता है। पिछली बार सकीना को बचाकर लाने वाला तारा अब इस बार अपने बेटे जीते को बचाकर लाएगा। ये सब कैसे होता है, यही देखने आपको फिल्म देखने के लिए जाना होगा। एक्टिंग की बात करें तो तारा सिंह के अवतार में सनी देओल फिर से छा गए हैं। चाहे सकीना के आगे पिघलना हो या गुस्से वाले सनी देओल का स्टाइल आपको पसंद आएगा। अमीषा पटेल के पास रोने और शर्माने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं है, वो ठीक रही हैं। फिल्म में इस बार उत्कर्ष शर्मा को खूब स्पेस दिया गया है। उत्कर्ष अपने अंदाज में ठीक लगे हैं, हालांकि वो कई जगह थोड़े ओवर एक्टिंग करते हुए लगे। अमरीश पुरी की कमी को पूरा करने का काम मनीष वाधवा ने किया है। वाधवा मेजर हामिद के अंदाज में जचे हैं, जितना खूंखार उन्हें लगना था उतना लगे। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी लाइट और कहानी को बढ़ाने वाला है। शुरुआत में किरदारों का बैकग्राउंड बताने के लिए नाना पाटेकर की आवाज सुनाई देती है जो जच रही है। अगर आपने हाल फिलहाल में गदर नहीं देखी तो गदर 2 देखने के लिए आपको उसे दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहली कहानी की पूरी झलक शुरुआत में दिखाई गई है। गदर 2 को नॉस्टैल्जिया के पूरे नंबर मिलेंगे, चाहे गदर के गाने हो या फिर पुराने किरदारों की झलक। पुरानी फिल्म की कई यादें जरूर याद आएंगी। फर्स्ट हाफ में कहानी लाइट से इमोशनल हो जाती है। गदर 2 एक फुल ऑन मसाला एंटरटेनर फिल्म है और इसकी सारी ताकत इसके डायलॉग्स हैं। फिल्म में कई डायलॉग्स ऐसे हैं जब तालियां और सीटियां बजाई जाएंगी। फिल्म के क्लाइमैक्स में हिंदुस्तान जिंदाबाद वाला पूरा सिचुएशन क्रिएट किया गया है और यकीन मानिए पूरे थिएटर में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो इस फिल्म को देखते ये नारा जरूर लगाएगा। फिल्म की कमजोरी साबित हो सकती है इसकी लंबाई जो अखरती है। गाने बहुत ज्यादा हैं, इनकी लंबाई काफी है। हर थोड़ी थोड़ी देर में गाने आते हैं जो कहानी के पेस को खराब करते हैं। ये भारी पर इंटरवल के बाद ज्यादा महसूस होता है। सेकंड हाफ में बहुत तेज सीक्वेंस है जो एक हद के बाद बोर करने लगते हैं। और हाँ, अगर 23 साल बाद आप उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म में हो रही चीजों के पीछे बहुत ज्यादा लॉजिक हो तो आप गलती कर रहे हैं, मेकर्स की नहीं। एक बात और हो सकता है कि ये फिल्म देखने के बाद आपका बंदूकों, गोला बारूद और बम वगैरह की ताकत से विश्वास उठ ही जाए। ऐसा लगता है कि ये सब फिल्म में बस धूल उड़ाने और आग निकालने के लिए हैं, क्योंकि मर तो इससे कोई रहा नहीं। हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या मानना है आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ऐसी ही जानकारी से भरपूर खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।